हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आज मैं बायोमेट्रिक प्रोसेस के लिए एसआईडी कार्ड की, जो सीफेरर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है, उसके बायोमेट्रिक प्रोसेस के लिए जा रहा हूँ नोएडा। तो आप लोगों को बता दूं कि एक तो आपके पास मास्क जरूर होना चाहिए, एक आपके पास सैनिटाइजर जरूर होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स से अलग। आप डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी है इसके लिए वो मैं आपको बता देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। ये चार डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले जो है वो आपका पेमेंट रिसिप्ट का है, दूसरा आपका जो फॉर्म है उसका एक्नॉलेजमेंट है, तीसरा आपका इंडियन सीडीसी आपके पास होनी चाहिए, और आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ये ओरिजिनल आपके होने चाहिए, जीरोक्स या फिर कोई फोटोकॉपी या फोटो नहीं चलेगी, ओरिजिनल आपको दिखाने पड़ेंगे वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताता हूँ, क्या क्या वहाँ पे प्रोसेस होता है। और कुछ क्वेरीज भी थी आप लोगों की, तो मैं वो भी वहाँ पे जाके पूछने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को बाद में कि क्या उन्होंने बोला। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपके इस मैरिटाइम जो है वहाँ पे सेंटर पे। बिल्कुल खाली रोड है ये देखो, राइट है। छोटा सा प्रोसेस होगा और उसका सिग्नेचर फिंगरप्रिंट वगैरह तो कुछ लिया नहीं, अभी बाकी आपको बाद में बताता हूँ क्या क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे जाने के बाद पिक्चर्स और वीडियोस मुझे अच्छा नहीं लगा बनाना, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है और मैं नहीं चाहता था कि कोई क्वेश्चन करे, कोई बोले कि आप क्यों वीडियो बना रहे हो, आप क्यों पिक्चर्स ले रहे हो। बट वहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ अभी। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि सबसे पहली जो चीज़ है वो आपका जो अपॉइंटमेंट है उससे आपको एटलीस्ट 10-15 मिनट्स आप पहले वहाँ पे पहुँचना चाहिए। तो अपना जो टाइम है आप उस हिसाब से स्केड्यूल कीजिएगा कि अगर ट्रैफिक मिले या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप फिर भी टाइम से पहुँच जाए, क्योंकि अगर आप लेट जाएंगे तो वो बोल सकते हैं कि आपने जो आपकी अपॉइंटमेंट जो थी वो आपने मिस कर दी है, और फिर रीअपॉइंटमेंट और रिस्केड्यूल वो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो एक लिमिटेड लॉट्स में अभी बुला रहे हैं 10। मतलब अपॉइंटमेंट सिस्टम इसलिए है क्योंकि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी वहाँ पे ना हो, लोग आए अपना काम करें और वापस जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको एंट्री करानी है, आपका टेम्परेचर चेक के लिए उन्होंने एक ऑटोमेटिक सिस्टम रखा हुआ है, अभी तो खैर किसी ने चेक किया नहीं, बट सिस्टम है वहाँ पे, सैनिटाइजर्स है, सैनिटाइज करके आप मास्क लगा के आप ऊपर जाओगे, थर्ड फ्लोर पे ये ऑफिस है, वहाँ पे जाके आपको बैठा दिया जाएगा, आपकी एंट्री हो जाएगी और आपका जब भी नंबर आएगा तो कुल आपको 5 मिनट लगने हैं। बिल्कुल भी लंबा प्रोसेस नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का प्रोसेस है। आपको बुलाया जाएगा, आपका जो चार डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे, पासपोर्ट, सीडीसी, एक्नॉलेजमेंट और रिसिप्ट, ये चारों चीज़ें वो लोग चेक करेंगे फिजिकली, उसके बाद आपको बैठा देंगे, आपकी फोटो लेंगे, आपके सिग्नेचर लेंगे, फिंगरप्रिंट्स मुझे लग रहा था फिंगरप्रिंट्स लेंगे, बट फिंगरप्रिंट नहीं लेते हैं वो, सिर्फ आपका सिग्नेचर्स और आपकी फोटो वो वहाँ पे लेते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, और उसके बाद बोल देते हैं कि ओके टाटा बाय बाय। ठीक है, तो आप लोगों की क्वेरी थी, सबसे पहली क्वेरी थी कि ये मैंडेटरी है क्या, मैंने पूछा ये, तो अभी मुझे बताया गया है कि अभी जो ब्राज़ील और यूके में जो क्रू ज्वाइनिंग कर रहा है, या साइनॉन जो यूके और ब्राज़ील में है, उनके लिए अभी मैंडेटरी है, बट उसके अलावा अभी ऐसे कोई रूल नहीं है कि इसके बिना आप साइन ऑन नहीं हो सकते हो, अदर कंट्रीज़ में भी आप साइन ऑन हो सकते हो, बट बहुत जल्दी ये ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंडेटरी होने वाला है एसआईडी। तो अगर आप सीफेरर हैं और आपको आज नहीं तो कल बनवाना ही है, अभी उतना ज़्यादा रश भी नहीं है, तो अगर आप अभी वेकेशन पे हैं, अभी आप घर पे हैं, तो आप अभी बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था प्रोसेस, और ये थी आपकी क्वेरी कि क्या ये मैंडेटरी है। दूसरी क्वेरी किसी ने पूछा था, मैंने उसको ऑलरेडी पर्सनली मैसेज करके बता दिया है, वो था कि अगर आपकी भी क्वेरी हो सकती है, वो था कि अगर आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क 40 वर्ड्स उन्होंने दिया हुआ है कि 40 वर्ड्स के अंदर आपको कवर करना है आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है, और अगर आपका पासपोर्ट में या कहीं और अदर डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा है 40 वर्ड से ज़्यादा, तो आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस चीज़ को उन्होंने बोला कि आप शॉर्ट कीज़ में लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो, आपका जो कहने का, आपका जो कहना चाह रहे हैं, जो आइडेंटिफिकेशन आप बताना चाह रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, बाकी वर्ड्स कुछ भी यूज़ कर सकते हो, और वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये थी वीडियो फ्रेंड्स एसआईडी के रिगार्डिंग। इट वाज अ वेरी फास्ट प्रोसेस, ओनली 10 मिनट्स प्रोसेस। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो नेक्स्ट आने वाला है कि क्रूज शिप पे या मर्चेंट नेवी में जॉब करने के क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। ये वीडियो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है बट जल्दी पोस्ट करने वाला हूँ, आप लोगों को बता दूंगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर
नहीं किया है अभी तक और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो का मिल जाए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।